नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए, आज मैंने कोई खाना लेके नहीं आई हूँ। मैं छोटा सा आप सबसे थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ, छोटा सा नहीं, शायद बड़ी भी हो जाए। मैं एक कहानी कहना चाहती हूँ आप सबसे। जैसे कि मतलब मिडिल क्लास घरों में जब लड़कियाँ थोड़ी बड़ी होने लगती है तो उसके माँ बाप ये कहते हैं, हम बहुत गरीब हैं, लड़की बड़ी हो गई तो उसको शादी करा देते हैं, वहाँ पे जाके वो अपने संसार करेंगे और शांति से घर में रहेंगे, ऐसे बोल के शादी करा देते हैं। ज़्यादातर सबके घर में ऐसे होता है, आज अब नहीं होते लेकिन पहले बहुत होती थी इस चीज़ को। मतलब हमारी भारतवर्ष में देखा जाए 70% लड़की को ऐसे ही 15-16 साल की उम्र में, 14-15-16 साल की उम्र में शादी करा देते हैं। लेकिन क्या होता है उसमें, कहते हैं बहुत अच्छा लड़का मिल गया है, लड़का हाथ से निकल जाएंगे, बहुत अच्छा फैमिली मिल गया, फैमिली हाथ से निकल जाएंगे, ऐसे बोल के शादी करा देते हैं। लेकिन सच में उस लड़की की ज़िंदगी क्या अच्छा होते हैं वहाँ पे? उस लड़की तो लड़की को पता ही नहीं होता है शादी क्या है, मतलब शादी चीज़ क्या होते है वही नहीं पता, तो उसको शादी करा दिया जाता है। जहाँ पे वो लड़की क्या होती है, जैसे स्कूल जाते थे, मतलब उसके हाथ में कॉपी किताब होते थे, उस हाथ में उसके आ जाते हैं चूल्हा चौका। और ये रियल ज़िंदगी है, हमारी इंडिया में रियल ज़िंदगी है। अभी तक तो बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब हाथ में आ जाते हैं और उसकी ज़िंदगी उसको पता ही नहीं चलते है। तो क्या होता है उसको, मतलब घर के काम काज में फंस जाते हैं, उसके बाद 1-2 साल के अंदर वो माँ बन जाते हैं। और ना माँ जब वो बन जाती है तो ऐसा लगता है जैसे उसके हाथ में कोई खिलौना आ चुके हैं। मतलब प्यार से वो बड़ी करती है, लेकिन वो वही बच्चे बड़े होने के बाद उसकी माँ को कहते हैं, तुम अच्छी मम्मी नहीं हो। और ऊपर से और उसके जो घर में, जिस घर में वो बहू बन के आती है, सब उसको कहते हैं, तुम बहू बनने के लायक नहीं हो। और पति तो कह ही देंगे, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं, घर में सारे कह रहे हैं, तो पति तो कह ही देंगे। और जैसे जब वो शादी करके आते हैं तो उसके घर में, मतलब मायके वाले उसे ये कहते हैं, तुम अब अपने घर में जा रहे हो, वहाँ पे जाके रहना, अपने संसार में मन लगा के काम करना, ऐसे बोल के उसको भेज देते हैं। लेकिन उसके दिमाग में तो उस टाइम कुछ नहीं चलते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है शादी क्या होता है। उसके बाद क्या होता है, वो अपने मतलब ससुराल में आ जाती है, नसीब अच्छे हो तो घर वाले अच्छे मिल जाते हैं उसको, मतलब मन लगा के काम करते हैं, क्योंकि वो सब तो जानते हैं जी, मेरा अपने हैं, मुझे यहाँ पे काम करना है, रहना है। लेकिन बहुत से घरों में ये होती है, जो बहू आते हैं मतलब पहले से आई है, इतना मतलब करा होगा काम, लेकिन उसे बीच में होती है जो लड़ाई वगैरह के बाद उसे सारी चीज़ छोड़ना पड़ता है, तो उसको उस बहू को कहा जाता है, आज किसी चीज़ कारण की वजह से अलग हो जाए तो उस बहू को कहा जाता है, अब तुम अपना संसार कर लो, अब तुम अपनी संसार अपने हाथों से संभालो। तो कितने साल, शायद किसी की 20 साल हो जाते, किसी की 17-18 साल हो जाते, किसी की 25 साल हो जाते हैं, फिर उसे कहा जाता है, तुम अपने नया तरीके से संसार शुरू करो अब। तो अब बताओ, जब वो 15-16 साल की थी, अपनी माँ बाप की घर छोड़ के आ रहे थे, तो उसे कहा गया था, तुम अपनी संसार में जा रही हो, अपने घर पे जा रही हो, मन लगा के संसार करना, मन लगा के अपना संसार बनाना। फिर 15-16 साल बाद, 20 साल, 15-16 साल बाद तो उसे कहा जाता है, तुम अपना संसार कर लो, अपना अपना हाथों अपनी हाथों से नया संसार बना लो। तो बताओ, इतने साल का उसने मतलब फालतू वेस्ट किए। तो ऐसे करके उस लड़की के अंदर क्या होते हैं, एक गुस्सा से जम जाते हैं, वो जोर से बातें करने लगते हैं, उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाते हैं। लेकिन लेकिन उसके बातों को कोई समझते नहीं है, वो किस बात में दुखी है, क्या है, कोई नहीं समझते हैं। उसको सब कहा जाता है, अरे ये औरत तो ऐसी है, ये ऐसी बातें करती है, सबसे लड़ती है। फिर उसके पति भी कह देती है गुस्सा होके,
तुम तो तुम्हारी तो चल्ला चिल्लाने की मतलब चल्ला से चल्ला के बातें करने की आदत है, और कहीं ना कहीं बच्चे भी कह देते हैं मम्मी तुम बहुत ज़्यादा चिल्लाती हो, बहुत ज़्यादा बोलती हो। तो बताओ उसकी उम्र कितनी होती होगी, 30-35 के अंदर होती है। बच्चे मतलब जब उस छोटी सी लड़की की शादी कराते हैं, मतलब बच्चे जब होते हैं तो बच्चे मतलब जो लेडीज़ जिस लेडीज़ की कम उम्र में बच्चे हो जाते हैं, ऐसा लगता है बच्चे उससे ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है लेडीज़ बड़ी नहीं हुई है, बच्चे बड़े हो गए ऐसा लगता है कभी कभी। और बच्चे भी तो कह देते हैं, और ऊपर से उसके पति भी नहीं छोड़ते, और ऊपर से उनका घर वाले भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उस लेडीज़ को तो दुनियादारी कुछ मालूम नहीं है, और ना मालूम है घर की। बस उसको काम करना आता है और घर का सारे चीज़ संभालना आता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, घर में सारी चीज़ उसको छोड़ना पड़ता है, तो उस लेडीज़ के अंदर तो चिड़चिड़ापन और चलना आएंगे ना अबरियाँ, तो उसको बाद में सुनने को यही मिलता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारी मतलब इंडिया में, हमारी भारतवर्ष में जिसकी मम्मी पापा बच्चे की जल्दी शादी करा देते हैं, लड़का हो लड़की अक्सर लड़की की ही होती है, जल्दी शादी करा देते हैं, 14 साल 15 साल 16 साल आज भी हो रहे हैं, उन मतलब माँ बाप को मिलते क्या है, वो सोचते हैं मेरी बेटी की शादी हो जाएंगे तो अच्छे खाएंगे पिएंगे अच्छे रहेंगे। सच में क्या वो अच्छे रहते हैं? नहीं रहते, बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। उसको कम उम्र में पता ही नहीं चलते संसार क्या रहते हैं, वो भोजन उसको डाला दिया जाता है। और क्या होता है, जब उस बचपन में उसकी शादी हो जाती है, बाहर वाले इंसान या घर के इंसान आके उसको कुछ कहते हैं, घर संसार की बातें उसको कुछ समझ में नहीं आते, उड़ जाते हैं ऊपर से ही। उसके माँ बाप को बताओ, जब उस लड़की की शादी कराते हैं, मतलब उनकी खर्चा कम हो जाएंगे ऐसे सोच के, या फिर सोचते हैं ऐसे लड़का और मिलेंगे नहीं, सच्चे में क्या ऐसे लड़का और नहीं मिलेंगे। उसकी लड़की अगर थोड़ा सा भी पढ़ लिख जाए, अपने पैर में खड़े हो जाए, उससे भी अच्छा लड़का मिल सकते उसको। और एक बात बताओ, उम्र तो बिल्कुल नहीं देखते हमारे इंडिया में, बिल्कुल भी नहीं। लड़की अगर 15 साल की होगी तो लड़का होगा तो 25-26 साल, उससे ज़्यादा होगा तो कम नहीं। एक तो उस लड़का लड़की की तालमेल बिल्कुल नहीं मिलते, और ऊपर से उस माँ बाप को बताओ खर्चा कहाँ से कम हो जाते हैं। शादी होने के बाद तो तुम्हारा खर्चा बढ़ ही जाते हैं ना, विदाई तो मतलब लड़की की शादी फ्री में नहीं होती है, जिसकी जैसी मतलब क्षमता होती है वैसे हिसाब से वो शादी करते हैं। उसके बाद उस लड़की के घर में मतलब उनके ससुराल के घर ससुराल में कभी कुछ प्रोग्राम हो तो बहू की मायके से अच्छे खासे खर्च करना पड़ता है। उसके बाद लड़की की जब मतलब जब उस मतलब लड़की की जब वो प्रेग्नेंट होती है, वहाँ से उनके खर्च होना शुरू हो जाते हैं मायके वालों से। आज गोद भराई है, आज लड़की लड़का का मतलब लड़की हो लड़का हो उसका मतलब प्रोग्राम है, आज पूजा है, ये हो करके उनका खर्चा शुरू हो जाते हैं ना। इसी खर्चा को हम अगर उस लड़की को पहले से हम उसको लगाते, उसको शादी ना करके उस खर्चा के उसके पीछे लगाते, वो लड़की थोड़ा मतलब सावलिक होके अगर शादी होए तो कम से कम उनको संसार की क्या चीज़ वो समझ में तो आते। मतलब हमारे इंडिया में ये देखते हैं लड़का थोड़ा पढ़े लिखे है या फिर कोई भी नौकरी करते हैं, कहीं पे भी अच्छा बिजनेस है, और लड़का वाले के घर में बहुत अच्छे खासे घर है, बहुत अच्छे खासे जमीन है, मतलब संपत्ति है, तो उसके तुरंत फिर लड़की की तो भाई उम्र देखते नहीं, तुरंत शादी करा देते हैं। अब बताओ उस लड़की की ज़िंदगी तो मतलब वो जब तक सोचती है ना मेरी ज़िंदगी शुरू हुई है, तब तक तो ऐसा लगता है ज़िंदगी उसकी मतलब आधा ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल आधा ख़त्म हो जाती है। उस लड़की का कहीं पे सम्मान सम्मान कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं, ना वो अच्छी बहू पाती है, ना अच्छी बेटी बन पाती है, ना अच्छी माँ बन पाती है, ना एक अच्छी इंसान बन पाती है, कुछ भी नहीं बन पाती है, उनका ज़िंदगी ऐसे ही बन जाती है। और बहुत से माँ बाप ये कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं होते है, तो अच्छे लड़का मिल गए तो हम शादी करा दिए। पैसा सबके पास होते हैं,
मन नहीं होता लड़कियों को घर में रखने की, अच्छे से पढ़ाने की मन नहीं होता, सबसे बड़ी बात ये है। वह ज़्यादातर अक्सर ऐसी चीज़ गांव में होती है, और गांव के इंसान सबसे बड़े घर बड़े लोग ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनके पास जमीन संपत्ति बहुत होती है, और ये सोच के उन लोग शादी ये करते हैं। जमीन संपत्ति तो उस लड़की को देना ही नहीं होता है, क्योंकि उस जमीन संपत्ति तो उनकी बेटे के नाम से करानी होती है, क्योंकि ये सोचती है अगर लड़की हमारी पढ़ लिख जाए तो जमीन संपत्ति बेच के उसको पढ़ानी पड़ेंगे, और लड़का को पढ़ा देंगे जमीन, ना संपत्ति ना पैसा कुछ नहीं देखेंगे, लड़का के अंदर दिमाग भी ना हो फिर भी पढ़ाएंगे उसको। लड़की की तो मतलब 14 साल 15 साल होते ना होते उसकी शादी करा देते हैं, उसकी ज़िंदगी ख़राब करके तुलते हैं। और किसी लड़की की अगर ज़िंदगी अच्छी हो, मतलब नसीब अच्छे हो, तो उनको नसीब घर अच्छे मिल जाते हैं, अच्छे हस्बैंड मिल जाते हैं, तो उनकी लाइफ थोड़ा अच्छे हो जाते हैं। लेकिन जिसके कभी देखते हैं ना कभी कभी टीवियों में लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, क्या करें, उसकी शादी हो गई, बच्चे तो होंगे ही, और 1-2 साल बच्चा हो जाता है, 16-17 साल के माँ बन जाती है वो, फिर पता है इतनी कम उम्र में माँ बनने के बाद कितनी बीमारी आ जाते उस लड़की के अंदर, बहुत बीमारी। जब वो फिर होती है 30-32 साल की, तब उनके पास बहुत सारी बीमारी की भंडार आ जाते हैं, तब तो उनको घर वाले ये कहते अरे अभी इसे इतनी सी उम्र है, इतनी क्या बीमारी है, काम करने की ना बहाना करके बैठी हुई है, ऐसे उनको सुनने को मिल जाते हैं। तो वो ऐसे करके लेडीज के अंदर क्या आएंगे, चिड़चिड़ापन आएंगे, गुस्सा होंगे, और क्या होंगे, कुछ भी नहीं। अब वो सोचते मैं कुछ करूँ, क्या करें, माँ बाप ने तो पढ़ने ही नहीं दिया, शादी करा दी है, और बिना पढ़ाई लिखाई तो कोई काम हो ही नहीं सकती है, बाहर कोई काम करने जा नहीं पाएंगे, क्योंकि नाम खराब हो जाएंगे अपने पति की, अपनी ससुर जी की, और बाहर ज़्यादा जा भी नहीं पाएंगे, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, बच्चे को भी बताने पड़ेंगे, जब मेरी माँ कहीं पर काम करती है, क्या काम करती है उसको बताने पड़ेंगे, तो उनको थोड़ा शर्म लगेंगे, छोटा काम हो तो, काम कोई छोटा नहीं होते है, सब कहते हैं, लेकिन जिसके घर में जब होते हैं ना, स्कूलों में झाड़ू पोछा करना, साफ सफाई करना, ये काम छोटा नहीं होते, लेकिन जिसके घर में होते हैं, जिसको बच्चे को बोलना पड़ता है ना, उनको छोटा लगते हैं। तो जिसके घर में लड़की है, अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो उसको खूब पढ़ाओ, बड़े करो, शादी कराने की चिंता की ज़रूरत नहीं है। जब वो लड़की बड़ी होगी ना, अपने पैर में खड़े होंगे ना, लड़का अपने आप आ जाएंगे, ससुराल वाले अपने आप आ जाएंगे, तुम्हारी लड़की से हमारी लड़का की शादी करा दो। छोटे से उम्र में लड़कियों की शादी करा के उसके माँ बाप को मिलता क्या है, वो सोचते हम फ्री हो चुके हैं, वो बिल्कुल फ्री नहीं होते है। फ्री तो होने की बात ही नहीं होती है, क्योंकि फिर लड़कियों के घर आना पड़ेगा तुमको, उसके बाद उसके जितनी प्रोग्राम होंगे ससुराल वाले की, अच्छी खासी खर्च करना पड़ता है, तो खर्चा तो माँ बाप की और बढ़ जाता है। मैं ये सोचती हूँ उस खर्चा को अगर वो लड़की के ऊपर उस टाइम लगाए, तो लड़की के अंदर पढ़ने की लगन है तो उसको पढ़ाए, तो लड़की थोड़ा सा ज़िंदगी उसको जीने लायक मिल जाती है। और सबकी ज़िंदगी होती है, जीती है, छोटी उम्र में शादी कराने के बाद वो भी जी लेती है, क्या करे उसको, वो ही होती है घर संसार काम काज, और बाद में सुनना कुछ नहीं किया इसने, बस यही सुनने को मिलता है और कुछ भी नहीं। फिर भी ऐसी लड़कियां ज़िंदगी जीती है, क्या करे उसको, घर संसार उसके हस्बैंड बच्चे लेके उसको जीना पड़ेगा, कहीं वो छोड़ के तो जा नहीं सकती है। तो ये थी एक छोटी सी लड़की की कहानी, गांव में रहने वाली एक छोटी सी लड़की की कहानी। तो कैसी लगी ये कहानी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे कोई एक नया वीडियो के संग, तब तक के लिए बाय बाय।